तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज आप लोगों ने सही वीडियो को चूज किया है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को आप लोगों ने क्लिक कर दिया है तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि गाइस ये वाला फोटो एडिटिंग देखने के बाद आप लोग कोई भी फोटो अपने फ्रेंड के पास एडिट करने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि यार आज आप लोग खुद इस वीडियो को देखने के बाद हार्ड एडिटर बन जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अगर जो आप लोगों को कुछ इस टाइप से पूरा प्रोफेशनल एंड इतना हार्ड ग्लोइंग करना और इतना बेहतर HD फोटो एडिटिंग करना सीखना है, तो गाइस यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यार इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोग किंग बन जाएंगे, पूरा एडिटर किंग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक फटाक से पहुंच पाए और आप मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपना ओरिजिनल पिक ले लेना है, कुछ इस टाइप से मैंने पोज दिया एंड पोज वगैरह हर एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग, एंड आराम से देखिएगा वीडियो को, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा अगर जो आप लोग खुद से अपना फोटो एडिट करना सीखना चाहते हैं तब, ठीक है गाइस। एंड कुछ अलग अलग लेवल का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है गाइस। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस ओरिजिनल पिक है, देन इसको क्या करेंगे डायरेक्टली शेयर कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए लाइटरूम के अंदर शेयर करते हैं अपना पिक, उसके बाद से अब मैं लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है गाइस। तो ये रहा लाइटरूम एप्लीकेशन, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिक जो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एंड इसके लिए खास प्रेसेट बना के रखा हूँ। प्रेसेट आप लोगों को मिलता ही आप लोग क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं और जाके एडिट करने लगते हैं, ऐसा करेंगे कभी भी आप लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है गाइस। जो जो नए हैं मेरे भाई पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रेसेट गाइस, एंड इसको डाउनलोड भी कैसे करना है पूरा HD क्वालिटी में हर लोग के फ़ोन में अच्छे से वर्क करे, तो प्लीज़ यार वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे ये वाला प्रेसेट जो है इसको क्या करेंगे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर बार एक ही प्रेसेट देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, हरदम कुछ अलग डिफरेंट रहता है, ठीक है गाइस। तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी सेटिंग कर देना है यहाँ पे, एंड उसके बाद से क्या करना है कॉपी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नीचे वाला आइकन जो है इसको भर देना है, भरने के बाद करना क्या है कोने में देखिए राइट का आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर दीजिएगा बिल्कुल आराम से, मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि यार जो लोग नए हैं वो अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। अब क्या करेंगे ओरिजिनल पिक के ऊपर आएंगे, उसको कॉपी कर लिया और उसको डाउनलोड भी कैसे करना है प्रेसेट को मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लास्ट तक प्लीज़ यार वीडियो को देखते रहिए, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड क्या करेंगे ओरिजिनल पिक के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसमें किया था पेस्ट, सॉरी उसमें किया था कॉपी, इसमें कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिएगा इस रिजल्ट आप लोग के आंखों के सामने कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को शेयर का, इसके ऊपर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अपना पिक जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। एंड हमारा पहला स्टेप जो है गाइस कंप्लीट होता हुआ आप लोगों के आंखों के सामने। एंड उसके बाद से क्या करना है धीरे धीरे मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझा के बताऊँगा हर एक पॉइंट, बताऊँगा मैं स्मूथ कैसे करता हूँ, कौन सा ब्रश यूज़ करता हूँ, इतना हाई क्वालिटी अपना हेयर वगैरह कैसे HD करता हूँ, हर एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गैलरी के अंदर चलते हैं। एंड हमारा पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है गाइस, एंड दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसको शेयर करेंगे गाइस अब पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब गाइस यहाँ पे आप लोग शौक हो गए होंगे कि यार कैसे दूसरे स्टेप में पिक्स आर्ट के अंदर डायरेक्ट शेयर हो रहा है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ पिक्स आर्ट के अंदर क्या करना है, ठीक है। एंड गाइस ये रहा हमारा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर शेयर करने के बाद आप लोग फोटो को रिसाइज करिएगा सबसे पहले, क्योंकि यार क्वालिटी ज़्यादा मायने रखता है हमारा फोटो इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए, ठीक है। नहीं तो गाइज यार आप लोग पूरा स्टेप को कंप्लीट करके भी एडिट करते हैं लास्ट में सेव करते हैं तो आप लोग का क्वालिटी जो है डाउन हो जाता है। तो मैं सारा कुछ बता दूंगा आप लोगों को कैसे डाउनलोड, मतलब डाउन नहीं होगा और अच्छा डाउनलोड होगा क्वालिटी, ठीक है। तो नीचे की तरफ सबसे पहले देख सकते हैं गाइज टूल्स का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए गाइज रिसाइज का ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना है यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह नंबर वगैरह लिखा होगा, इसको कट कर दीजिएगा और यहाँ पे 5000 लिख देना है। लिखने के बाद रिसाइज पे 2 बार क्लिक करना है, नीचे की तरफ लास्ट पिक्सल जो है सो हो रहा है 28 28, तो यहाँ पे 28 और 28 कर देंगे और एंड रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस। अब क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब गाइस यार सबसे पहले अपने फेस पे वर्क करते हैं, क्योंकि यार मैं क्या करता हूँ जब भी लिप्स को रेड करता हूँ कैसे अच्छे क्वालिटी में करता हूँ, आँखों में लेंस को कैसे अच्छे से ऐड करता हूँ जो कि रियल लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं ऐड करना आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ देख सकते हैं
रिटच का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आना यहाँ पे हेयर कलर का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हेयर कलर के ऊपर ऑटोमेटिक हमारा हेयर जो है कलर हो जाएगा, तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट हम देखिए पूरा कलर का सिस्टम पड़ा हुआ है, इसको खोल देंगे एंड रेड कलर सेलेक्ट करके और गाढ़ा कर देंगे, इसको राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं गाइस बैक का एरो है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे हेयर के ऊपर से तो हट जाएगा, और नीचे की तरफ देखिएगा इस मैनुअल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और लिप्स को जूम करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा डाउन नज़र आएगा बट सेव करने के बाद HD हो जाएगा। अब ब्रश को क्या करेंगे, अपने लिप्स पे, नीचे वाले लिप्स पे चला के और उसको अच्छे से रेड कर देंगे, ठीक है गाइस। एंड हल्का हल्का ऊपर भी कर सकते हैं, बस आधा लिप्स, ठीक है। देन गाइस इतना होने के बाद सिचुएशन हाई कर देंगे, अमाउंट अपने हिसाब से रखेंगे कितना हमें रखना है, 30 तक रख देते हैं गाइस, मैं लगभग 30 तक रख देता हूँ, ठीक है। इतना रेट काफ़ी है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। एंड उसके बाद से मैं आँखों में लेंस कैसे लगाता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या करेंगे, यहाँ पे आई कलर का ऑप्शन है नीचे की तरफ, हेयर कलर के बगल में ही, ठीक है। तो आई कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हमारा जो लेंस है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा अपने आँखों को, ठीक है। एंड क्या करेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला लेंस जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसका जो साइज है अपने आँख का ब्लैक वाला जो पार्ट है गाइस उससे हल्का सा छोटा रखना है। एंड ऊपर की तरफ देख सकते हैं इरेजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ इन्वर्ट का ऑप्शन आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइस करना क्या है, अपना जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है जहाँ जहाँ हमें लेंस चाहिए वहाँ वहाँ ब्रश को चला देंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग ला सकते हैं और बिल्कुल आराम से, आई होप कि समझ आ गएंगे ये वाले ट्रिक। एंड नहीं आता है कुछ भी समझ में गाइस तो यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगला वीडियो में सुधार करूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हल्का सा छोटा कर देंगे अपने आँख वाले ब्लैक वाले पार्ट से, ठीक है। एंड इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, इसका ऑपेसिटी कितना रखना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे रियल लगे, ठीक है। तो गाइस 35 यानी 35 के अराउंड रखिएगा, ठीक है, 35 के आसपास, ठीक है। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। एंड अब क्या करना है गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं गाइस इफेक्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई लोग भूल जाते हैं तो नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कई सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा स्ट्रेच और आर्टिस्टिक के मतलब बीच में मिलेगा आप लोगों को कलर का ऑप्शन, ठीक है। तो उसके ऊपर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से आइकन वगैरह आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना गाइस कलर रिफ्लेक्स, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक प्लस का आइकन जो है स्क्रीन पे शो होगा, उसको ले जाके बैकग्राउंड पे जिस कलर को चेंज करना है उसके ऊपर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक ये हम कोई भी कलर रख सकते हैं यहाँ पे जिससे हमारा फोटो बेहतर दिखाई दे, बट मैं ऑरेंज रखा था तो मैं ऑरेंज रखूँगा, ठीक है। इतना होने के बाद ऑरेंज पे क्लिक करके मतलब ऑरेंज की तरफ कलर को ले जाके और राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इतना तक तो हो गया गाइस। एंड गाइस इतना वगैरह जानने के बाद आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो यार अच्छे से नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अब गाइस यार यहाँ पे मैंने कुछ पत्ता वगैरह गिराया था एक दो जिससे हमारा फोटो रियलिस्टिक दिखाई देगा, तो वो कैसे गिराना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। नेट अपना ओपन रखिएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ब्रशेज का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से ब्रशेज लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कई सारा PNG आप लोगों को देखने को मिल जाता है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है अपना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, ये पत्ता वाला जो मतलब PNG वगैरह दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला पत्ता, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक और बार क्लिक करेंगे तो इसका साइज निकल के आएगा, तो साइज को छोटा कर देंगे और एक यहाँ पे पत्ता रखते हैं, एक नीचे की तरफ, एक यहाँ पे कोने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इरेजर पे क्लिक करके जो पत्ता हमें नहीं चाहिए उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला दोनों पत्ता जो है मुझे नहीं चाहिए था, एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है गाइस। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से, उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ड्रॉप का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, DRAW, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे 3 बिंदी दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर दीजिएगा। अब करना क्या है गाइस, गैलरी के अंदर चलते हैं एंड उसके बाद से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको शेयर करेंगे गाइस अब ऑटोडेस्क यानी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, जिससे हम लोग फेस आसानी से स्मूथ कर पाएँ, और आप लोग क्या गलती करते हैं मैं वो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और फेस को कैसे अच्छे तरीके से ब्रश को चलाते हैं वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे हमारा जो है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर पिक जो है खुल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए गाइस, ये वाला ब्रश जो है चलाएंगे, क्योंकि यार जब भी हम लोग फेस स्मूथ करते हैं तो प्रोफेशनल फेस स्मूथ करने के लिए ये वाला ब्रश जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, ठीक है। ये और इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कब चलाया जाता है अगला वीडियो में मैं बताऊँगा, एंड नीचे वाला को चलाते हैं फिलहाल में। एंड इसका सेटिंग देख लीजिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेरा ब्रश है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है गाइस रहेगा हमारा 10%, फ्लो जो रहेगा 4%, और साइज अपने हिसाब से जहाँ पे जैसा ढूंढता है वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ पे मैं लगभग इतना बड़ा रखता हूँ, एंड इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका नाम वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे, फेस को जूम करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा पट्टी है तो मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और ब्रश को कैसे चलाते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चलिए पहले बता देता हूँ, उसके बाद से ब्रश को चलाएंगे। तो ब्रश को इधर से उतारिएगा, इधर की तरफ ले जाइएगा, और उधर से ले आके इधर की तरफ इतना पार्ट जो है मिला दीजिएगा, और इतना पार्ट जो है गाइस अलग स्मूथ किया जाता है। नोज़ वाले पे गोल गोल, मतलब नोज़ पे गोल गोल नहीं घुमाया जाता है कभी भी, और इतना पार्ट अलग स्मूथ किया जाता है, ठीक है। आप लोग से मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, जहाँ पे छोटा साइज ढूंढता है, मतलब हमारा फेस स्किन वगैरह, वहाँ पे छोटा साइज कर लिया जाता है, ताकि यार फ्लो जो है हमारे आँखों पे ना पड़े और ब्लैक ब्लैक वगैरह कुछ भी ना आए, ठीक है। देख सकते हैं कितना अच्छे से स्मूथ हो रहा है, और कभी भी आप लोग गोल गोल मत घुमाइएगा, जिससे आप लोग का जो है फेस का टेक्सचर जो है गायब होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी दे रहा है गाइस, और स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग कीजिएगा, और बाल जो है ना गाइस, मतलब फेस का जो भी बाल है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के स्मूथ कीजिएगा, ताकि ब्लैक ब्लैक कट के और वाइट वाले जगह पर ना आए, ठीक है। कभी भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा फेस सही नहीं रहेगा तब तक हमारा फ़ोटो यार सही नहीं दिखेगा, ठीक है। कभी भी इतना ध्यान रखा जाता है, नहीं तो यार फ़ोटो एडिट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यार जब भी हम फ़ोटो एडिट करने जाते हैं तब सबका फोकस जो है फेस के ऊपर जाता है, या फिर एप्लीकेशन हो या फिर कुछ भी, इंस्टाग्राम भी वही ढूंढता है कि फेस कितना क्वालिटी में है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ अब आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर जो इंस्टाग्राम पर आप लोग का पिक वायरल करना चाहते हैं तो ये चीज़ कभी भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फेस वगैरह और गाल वगैरह अच्छे से स्मूथ हो गया है, और यहाँ पर कितने लोग भाई हैं कि नोज़ अपना गायब कर देते हैं स्मूथ करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, ब्रश को सीधा सीधा चला के छोड़ देना है, और यहाँ पे हल्का सा गोल चलाना है, यहाँ पे हल्का सा बस, ठीक है, ताकि आप लोग का फ़ोटो जो है अच्छे से दिखाई दे। देख लीजिए यहाँ पर मैंने सीधा सीधा कर दिया, और यहाँ पर मैं गोल कर देता हूँ, ठीक है। एंड इतना होने के बाद यहाँ पर साइज छोटा ढूंढ रहा है, तो साइज को छोटा करेंगे और अच्छे से स्मूथ करेंगे, बिल्कुल आराम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि यार आप लोग अच्छे से सीख पाएँ और अच्छे से स्मूथ कर पाएँ, ठीक है मेरे भाई। एंड स्मूथ करने के बाद और फोटो एडिट करने के बाद मुझे टैग मैन से ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैं ब्रश को चला रहा हूँ वैसे चलाइएगा, मैं सबका कॉमेंट करता हूँ, ठीक है गाइस। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग मैंसन कीजिएगा, ठीक है, और मैं स्टोरी बैग भी लगाता हूँ, मतलब सबका स्टोरी लगाता हूँ, ठीक है गाइस। देख सकते कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, इसी टाइप से आप लोग कीजिएगा बिल्कुल आराम से। तो चलिए गाइस मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर देता हूँ, कुछ पार्ट और बचा हुआ है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग को भी दिक्कत होगा देखने में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फेस वगैरह अच्छे से एडिट, मतलब सॉरी स्मूथ हो चुका है, हर एक चीज़, हैंड वगैरह हर एक चीज़, ठीक है गाइस। अब इसको गैलरी के अंदर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद से सेव का ऑप्शन ऊपर की तरफ जो है उसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग का फेस एंड हेयर एंड कपड़ा वगैरह और बैकग्राउंड कैसे HD हो, ठीक है। तो जब तक ये सेव हो रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए गाइज आप लोग को ये वाला फोटो कैसा लगा, और प्लीज़ यार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यार ऐसा ऐसा वीडियो धमाकेदार आता रहता है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है गाइज, यहाँ पे ये वाला पिक जो है शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हेयर वगैरह कुछ HD करना है, ठीक है। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन ये रहा, देन इसके ऊपर क्लिक करके और इसके अंदर शेयर कर देंगे अपना पिक, ठीक है। एंड उसके बाद से क्या करेंगे, नीचे की तरफ देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन है, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल आराम से मैं आप लोग को बताऊँगा। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं डिटेल्स का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे फिंगर द्वारा स्लाइड करेंगे तो दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नीचे वाले पे आके और इसको बढ़ा देंगे गाइस, लगभग 60-65 तक कर देंगे, ठीक है, 60 के आसपास, एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए गाइस हमारे हेयर में चमक आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ गाइस सिर्फ हमें हेयर के अंदर रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को व्यू एडिट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू एडिट लिखा हुआ दिख गया, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर का जो डिटेल्स दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके बीच वाला जो है पेंसिल का आइकन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है,
एंड क्या करेंगे, हेयर को जूम करेंगे और हेयर के ऊपर जो हमने लोगों ने डिटेल्स दिया था उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ बाल है वहाँ वहाँ, ठीक है, जिससे आप लोग का फ़ोटो जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करे, ठीक है। एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ बियर्ड है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। एंड राइट आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे गाइस। और ये अपना जो है हेयर तो HD हो गया, आप फोटो को बारी आता है HD करने का, ठीक है। अब इसको गाइस शेयर करेंगे डायरेक्टली Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मतलब बनता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ यार लास्ट स्टेप यही है, देखते रहिए तब यार कुछ अलग कर पाएंगे। तो चलिए Lightroom एप्लीकेशन के अंदर हमारा पिक शायद अभी नहीं आया है, फिर से शेयर करते हैं। कुछ दिक्कत चल रहा है Lightroom के अंदर, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा अपडेट के अनुसार, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम को सहते हैं क्योंकि यार यही सब कुछ है। एंड आ गया हमारा पिक, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेसेट बना के नहीं दूंगा क्योंकि यार HD करना मतलब हर फोटो का लेवल अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आप लोग जानिए HD कैसे किया जाता है। सबसे पहले लाइट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लाइट को कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस करेंगे 15%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ब्लैक जो है इसको माइनस करेंगे 20 के आसपास, ठीक है। अब डायरेक्टली कलर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, ये टेम्परेचर है ना गाइस, इसको लगभग 15% कम कर देंगे। एंड उसके बाद से टीन जो है गाइस इसको 2% 3% माइनस कर देंगे। और वाइब्रेंस है गाइस इसको 30 के आसपास बढ़ा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस देख सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, मिक्स टूल के अंदर आके, और फर्स्ट में लिप्स कलर है तो मुझे और गाढ़ा करना है और पिंक की तरफ करना है, तो पिंक की तरफ मैं करके और थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, लिप्स हमारा और बेहतर हो गया। अब फेस कलर के अंदर आके क्या करेंगे, हल्का सा 20 के आसपास माइनस करेंगे सिचुएशन, और लुमियंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा फेस जो है वाइट हो जाएगा। अब गाइस क्या करना है, येलो वाले कलर के अंदर आके और इसका सिचुएशन जो है बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आते हैं ब्लू वाले कलर के अंदर, हल्का सा इसको इधर की तरफ करेंगे और सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, और लाइट दे देंगे, ठीक है। एंड डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे मतलब फ़ोटो का क्वालिटी बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गाइस, नीचे की तरफ देख सकते हैं गाइस इफेक्ट का ऑप्शन है, इफेक्ट के अंदर आके क्लियरिटी जो है ना गाइस, क्लियरिटी को 15% माइनस रखिएगा और डेहज जो है इसको 10% बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और विगनेट को हल्का सा माइनस 15%, और यहाँ पे मिड पॉइंट है इसको भी माइनस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, विगनेट मतलब गोल अपने फोकस बराबर एडजस्ट कर लेता है। एंड इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, यहाँ पे देखिए डिटेल्स के अंदर आके शार्पनिंग को रखना है 60%, ध्यान रखिएगा यहाँ पे शार्पनिंग को जो है 60% रखना है, और डिटेल्स को पूरा 100%, और कलर नॉइस रिडक्शन जो है इसको 30 के आसपास रखना है, और डिटेल्स को पूरा 100%, और कलर नॉइस रिडक्शन इसको 40, और डिटेल्स को फुल स्मूथनेस को कम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिक का ऑप्शन आ जाएगा उसी के बगल में, दोनों को अप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा गाइस मैं आप लोगों को स्किन दिखाता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा HD ग्लो कर रहा है आँख वगैरह हर एक चीज़, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। इसी टाइप से HD कीजिए गाइस, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग मेंशन ज़रूर कीजिए। तो गाइस यार आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्रेसेट आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, और आप भी एडिट कीजिए, टैग मेंशन ज़रूर कीजिएगा। Thanks for full watching guys. Bye bye, tata.